खाता धारकों ने उप डाक अधीक्षक को बंधक बनाकर कामकाज ठप कराया। दमकौर दमकौर डाकघर ने पूर्व पोस्ट मास्टर द्वारा खाता धारकों के लाखों रुपए गबन करने के मामले में डाकघर में जांच करने आए उप डाक अधीक्षक को आक्रोशित लोगों ने 4 घंटे बंधक बनाकर डाकखाने का कामकाज ठप करवा दिया। डाक अधीक्षक द्वारा 1 महीने में खाता धारकों का पैसा उनके खाते में वापस कराए जाने के लिखित आश्वासन के पश्चात ही धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ। कस्बे के डाकघर में तैनात पूर्व उप डाकपाल प्रवीण सिंह द्वारा सैकड़ों ग्राहकों का लाखों रुपया हड़प लिए जाने का मामला गत दिनों प्रकाश में आया था। इस संबंध में उप डाक अधीक्षक कौशल कुमार द्वारा दमकौर कोतवाली में 1 सप्ताह पहले मुकदमा दर्ज कराया गया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद ग्राहकों में खलबली मच गई। एक के बाद एक गबन के मामले सामने आते गए। गुरुवार को खाताधारकों ने डाकघर पर प्रदर्शन किया था। पोस्ट मास्टर मुनीश सिंह ने आश्वासन देकर लोग को समझा बुझा दिया था। शुक्रवार को इस मामले की जांच करने डाकघर पहुंचे उपडाक अधीक्षक कौशल कुमार को खाता धारकों ने हंगामा प्रदर्शन करने के बाद बंधक बनाकर धरने पर बैठ लिया। 4 घंटे तक आक्रोशित खाता धारकों ने डाकघर अधिकारी को बंधक बनाए रखा। डाक अधीक्षक ने 1 महीने में खाता धारकों का पैसा उनके खाते में वापस किए जाने का लिखित आश्वासन दिया है। इस मौके पर प्रदर्शन करने वालों में नरेश चपरगढ़, जग्गी पहलवान, नवीन शर्मा, राजकुमार नागर आदि सहित सैकड़ों खाताधारक मौजूद रहे। कर्मचारी हो आप इसी में? हाँ जी, पोस्ट ऑफिस में जी। रिटायर हो गए तो 2000। अच्छा, रिटायर्ड कर्मचारी। ये आपकी जैसे बुक में एंट्री होगी उसके बाद पैसे जमा हो गए खाते से निकल गए ना? निकाले ना, कराई ना। अच्छा, तो आप लोग अपने खाते में रुपए ना मिले? नहीं, जब आया था तो तुम्हारे इतना बैलेंस नहीं है। नीचे करो जैसा किताब जो है, किताब में किताब एंट्री है, मेरी किताब में एंट्री, कंप्यूटर में कोई एंट्री नहीं है। कहाँ के रहने वाले हैं? बिल्कुल क्या हुआ आपके साथ? काम मेरे साथ यार की ऑन ना है। क्या नाम? आबिद। आबिद कहाँ के रहने वाले हो? नहीं, धनकोर से। यहाँ डाकखाने में कैसा है? यहाँ किताब में हमारे में गड़बड़ी चल रही है। कितने रुपए की? 7000 की। 7000 की? 7000 जी हाँ। जमा कब करे थे आपने? जमा तो मतलब कॉपी में लिखे हुए हैं तारीख तारीख का। कितने साल पहले जमा करे? अभी जल्दी की बात है, 2 साल पहले। 2 साल पहले कॉपी में एंट्री है कि वैसे कंप्यूटर में एंट्री नहीं है? ये समस्या तो और भी लोगों के साथ है कि आप इनके पास? हाँ, औरों के साथ भी है, मेरे साथ भी है, और भी आ रहे हैं लोग। अगर आपके पास में आगे पूछो थोड़ी सी, इसके अलावा अन्य कोई और रास्ता है तो आप संबंधित अधिकारी से, सीनियर अधिकारी से बात करके हमें बता दें। बिल्कुल, अन्यथा आप भी बैठे हैं, आप भी बैठे रहो, हम भी बैठे रहेंगे और डाकघर ये जो है आपका जो शाखा है ये बंद रहेगी, इसमें कोई काम नहीं होने देंगे। आपने अभी हमें एक सुझाव दिया, एक रास्ता अपनी तरफ से बताया जिसमें हमारी सहमति नहीं बनती। अगर इसके अलावा अन्य कोई और सुझाव, कोई रास्ता आपके समझ में, आपके सीनियर अधिकारी के दिमाग में है तो आप बात करके हमें बता दीजिए। अभी वो भी के बाद अगली बात करेंगे। सुनो, वो भी करेंगे, कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन फिलहाल जो कार्रवाई वो तो लास्ट में कर लेंगे। लेकिन इस जो आपने अभी सुझाव दिया इस पे हमारी सहमति नहीं बन रही तो इसको भरने का फायदा क्या है? ये तो अल्टीमेटली ये तो भरना ही पड़ेगा। नहीं, भर लेंगे ना अभी तो ना, आप जा रहे हैं ना, जाएगी तो नहीं, आप जा रहे ना, मैं जा रहा, ये तो भर ही लेंगे लास्ट में। लेकिन जिस बात को लेकर हम बैठे हैं उस पे आप क्या रास्ता बना रहे हैं? जो आपने एक रास्ता दिया उसमें हमारी सहमति नहीं है। आप सीनियर अधिकारी से बात कर लें और बात करके हमें बता दें अभी तुरंत। आप साइड में जाके बात कर लें, हमारे बीच में चाहते क्या हो सर? हम चाहते हैं जो हमारी समस्या है इसका समाधान। समस्या ये है कि 50,000 रुपये हमें आज ही मिला, यही है ना? इसके अलावा जी मैं बात कर सकता हूँ? मैं भी आप? हाँ हाँ, बात कर लीजिए। वही तो कह रहे हैं, कोई ऐसा मिलता है? आप जो है अगर हमारे सामने बात करना चाहते हैं हमारे सामने करिए, नहीं करना चाहते हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारा तो समाधान कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया बात करती भाई साहब, करो ऐसी बात कैसे बता रहे हैं? बात हो जाए तो वो है, करेंगे। मेरा BPM का काम है जो लेखा जोखा करता हूँ।
उनसे पूछो, वो जानते हैं अंकल जी, पाँच साल उन्होंने बता, कोई ना भाई करो आप अपना काम, हमको बात है तो अंकल जी से पूछ लो, वो बता देंगे, उनको मिलता रहता हूँ जो तो क्या होगा फिर, कोई बात नहीं, वो पूछ रहे हैं बाकी मैं करता हूँ। वो तो मेरे दुकान छीनने के लिए थे, मैं आया था रास्ता देखने के लिए, बताइए मैं तो बीपीएल को हूँ यहाँ से डाकिया मारता हूँ, लेकिन डाकिया हूँ मैं अभी भी पटना डाकिया में, अभी भी दो आदमी की जगह में अकेला काम कर रहा हूँ, आठ गाँव में तनखा एक मिलती है, एक ही मिलती है। चलो विस्तार से जब तुम्हारे अधिकारी आ जाएंगे सब बात करें, मुद्दा उठेंगे बहुत सारा उठेंगे, भ्रष्टाचार चरम सीमा पहुंच चुका है, अगर उनकी जड़ तक जाएंगे, हमारे पत्रकार ही परेशान है तो और कैसे करेंगे, अपने काम क्या तुम्हारे बारे तो कहते हैं माने कहना थी, माने कहते ये लिख के दे देंगे, माने खुद चाहिए कहीं ये लिख के दे देंगे, और तुम लिख के दो ना, पहले काम कर लो लिखो और बाद में भाई लाओ कागज लिखो, पहले इसमें मैं लिखूंगा, मैं इस पे लिख दूंगा, पहले मुझे जो है उस टाइम में पहले मुझे इन पे स्टेटमेंट ये लिख के दे, पहले मुझे स्टेटमेंट दो, सीधी बात है भाई, हम पहले बुला रहे हैं, लेंगे मेरे कमरे हो आए हो पैसे यही लिख, यही लिखवा, यही जबकि संपत्ति का पता लगाया जा रहा है कि कितनी किसके पास संपत्ति है, उसके आधार पे इनका क्लेम भरा के वो क्लेम सेटल करेंगे, करेंगे। मेरी भांजी का एडमिशन होना है जी, तो मैं कहाँ से कराऊँ? सुकन्या का खाता है, एसबी का है, आरडी का है, किस चीज़ का खाता है? एसबी का है, एसबी का अकाउंट है, वो एसबी का अकाउंट में कितने पैसे हैं उसके? 30,000 50 है ना, 91,000 93,000 कहाँ कॉपी दिखाओ, मुनेश कौन सी, ये 19/7/18 का है, ठीक है, इसका जो है ना जी ये 50,000 का तो होगा क्लेम सेटल, और 41,000 काम तो सारा उसमें होगा, जो प्रोसीजर बना होगा, नहीं ये प्रोसेस, नहीं ये प्रोसीजर ठीक है क्या, क्यों हुआ है? बिल्कुल गलत हुआ है, इसलिए उसके खिलाफ एक्शन लिया गया है, नहीं मैं कहा हूँ विभागीय कार्रवाई की जा रही है, मैं अपनी बच्ची को कहाँ ले जाऊँ, अभी पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, आप अपनी कार्रवाई करो या मत करो, सस्पेंड करो या उसी को, नहीं सस्पेंड है जब तक कार्रवाई, नहीं सस्पेंड, ये जो पैसा जमा हुआ है ये 18 को हुआ है, लेकिन अब इसमें ये नहीं एकदम हम इसे, ये सब आपको करना है अरेंजमेंट, जैसे भी करें आप अपने ऊपर अधिकारियों से बात करें, जैसे भी करें पैसा निकालना है, कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किसी के पैसे की, कोई जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो कहाँ नहीं है, सुनो इसमें टाइम लगेगा, इसमें 10-15 दिन का टाइम लग जाएगा, और जल्दी हो जाएगा, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, समझो आप, हम इसको निकाल के नहीं दे सकते, पूरी विभागीय कार्रवाई इसमें चल रही है, विवाद कर रहे आज जल्दी विवाद करें तो आगे चल रही है, उसके खिलाफ वो तो चलेगी, अब चल रही है ना, चल रही है, तो उसमें आप 15 लाख का मांग रहे हो, आपने 15 लाख मांग रहे हो,
चल रही है उनकी डुप्लीकेट पासबुक बंद कर चली गई, उनका महीना हो गए या आधार क्षेत्र की बाहर की बात है, अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है 50,000 और जो कंप्लेन शहर है उनके भी अधिकार क्षेत्र की बाहर की बात है, जो वहाँ बैठे हैं आगरा उनके भी अधिकार क्षेत्र की बात है, बाहर की बात है, बिना तुम्हें नहीं होगा मैं कल आज इसको जाके सबमिट करा, जितनी जल्दी से जल्दी कोशिश होगी उतना जल्दी करा। आपके आपके निगरानी में कितने दिन से हुई, कितने दिन से चल रहा है ये मामला, कितने दिन से चल रहा है, ये तो चल ही रहे जैसे जैसे पासबुक आ रही है कर रहे हैं सारे में मस्जिदों में ऐलान कराया गया मस्जिद में ऐलान करा दिया, मस्जिद में तसाब गए, अब तक रोना जाएंगे, अब तक किसी का क्लेम आया देखो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पूरी प्रक्रिया चलने के बाद ये होगा, पैसा मिलेगा, पैसा कहीं नहीं जाएगा, ये जब पैसा मिला है, ये जब पैसा मिला है तो आप ले लेना, आप किसी के पैसे खिलाफ पैसा दे रहे हैं, मैं भी तो आपके जैसे ही हूँ, आप मेरे जैसे नहीं है, आप अधिकारी हो, ठीक है, मैं आपके जैसे नहीं हूँ, आपके जैसे हैं, मैं भी किसान ही हूँ, लेकिन आपको तो तनख्वाह मिलती है ना, लेकिन इसे अपनी जेब, आप अपनी जेब, अपनी जेब दे दो, आप ये जब आज आप ले लेना हमसे पहले साइन करा, ऐसे नहीं होता, कैसे हो मेरे बच्ची का एडमिशन कैसे हो, इसका बिल्कुल क्लेम हो रहा है जो नियम है नियम से काम हो, नहीं वो आपकी बात सही, हमें तो बच्ची के अंदर के दर्दों को उसमें क्या करना है, नारायक हो जाना, बुजुर्ग जो होते हैं तो समाज अलग दे कि हम बहने कर जा